Hello Vichyo, let us read this question. Electrons with energy 80 kilo, kilo electron volt are incident on the tungsten target of an X-ray tube. Casual electrons of the tungsten have 72.5 kilo electron volt energy. X ray emitted by the tube contains only option A, a continuous X-ray spectrum with minimum wavelength of 0. 0. 0.155 Armstrong. ऑप्शन बी अ बीटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम विथ ऑल वेबलैंथ ऑप्शन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ अ टंगस्टन ऑप्शन डी कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम विद मिनिमम वेवलेंथ ऑफ जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव एमस्ट्रॉन्ग एंड अरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ अ टंगस्टन इस क्वेश्चन में हमारे पास एनर्जी जो दिया है वो एटी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है और हमारे पास एक टंगस्टन टारगेट दिया है जिसका के शेल के इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो सेवेंटी टू पॉइंट फाइव किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो जो यहाँ पे जो एक्स रेज होंगे उनका जो वेव लेंथ होगा वो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें यूज होगा वो होगा हमें तो पता है कि एनर्जी और वेव लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है एच सी अपॉन लेमडा के इक्वल यहाँ पे अगर एनर्जी जो है वो आ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ अगर एमस्ट्रॉन्ग में है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वन टू फोर थ्री वन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ जो कि आएगा एमस्ट्रॉन्ग में तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक टंगस्टन का टारगेट है टंगस्टन का टारगेट दिया है हमें जिस पर हम लोग ने 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी जो है वो इंसिडेंट किया है हमारी जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो केश आ, हमें क्या दिया है कि केश एल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी जो है सेवेंटी टू पॉइंट फाइव किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमें देखना है कि जो एक्सरे यूमिट होगा उनका वेवलेंथ क्या होगा तो अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करें तो एनर्जी जो होगी एनर्जी आएगी ईक्वल्स e टू वन टू फोर थ्री वन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ वेवलेंथ वेव लेंथ इन एमस्ट्रॉन्ग तो यहाँ से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एनर्जी की बन है यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगा वन टू फोर थ्री वन डिवाइडेड बाय एनर्जी जो कि है एटी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये हो जाएगा टेन रेज टू थ्री इसको फाइंड आउट करें तो ये आएगा जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव एमस्ट्रॉन्ग के इक्वल तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ हमें मिला मिनिमम वेवलेंथ मिला कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए ये है जीरो पॉइंट वन वन एम अभी से इस समय हम देखें तो जो इंसिडेंट एनर्जी जो है वो वो एटी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि के शेल के आयोनाइ आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है तो यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस स्पेक्ट्रम भी हमें मिलेगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिंस इंसिडेंट एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन देशन आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ के शेल इलेक्ट्रॉन सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है uh, कंटिन्यूअस एक्सरेस्पेक्टम तो एमिट होगा बट उसके साथ देर फॉर देर विल बी विल बी अरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कैरेक्टर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एक्स रे भी होगा जिसका वेवलियन जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव एम स्ट्रॉन्ग होगा और उसके साथ सिंस एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी होगा तो ऑप्शन ए चेक करें तो ऑप्शन ए में हमें दिया है कि वेवलेंथ तो जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव एमस्ट्रॉन्ग दिया है बट यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम मैंशन किया है तो ये वाला राइट right आंसर नहीं होगा ऑप्शन बी और सी भी गलत हो जाएगा तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस केस में सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक